Hello students, now we are starting part 4 of exercise 5.1. Now guys, let's talk about question number 21. काफ़ी important question है, इसके तीन parts हैं यहाँ पे, है ना। पहला part अपन बात करेंगे sin x plus cos x के बारे में discuss करेंगे अपन यहाँ पे। Now question काफ़ी amazing है, ये board में question आता है, इसको आप important mark कर लें बच्चों, क्योंकि अब जो series चालू हो रही है ना, इस part 4 के अंदर काफ़ी सारे अमेजिंग क्वेश्चन हैं गाइज, है ना। तो इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में 4 मार्क्स का, ठीक है, और आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ये इग्नोरेबल क्वेश्चन नहीं है, इसको तो लेके और याद रखने का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को करने का पैटर्न यूनिक है, इतना ईजी नहीं है। अगर डेफिनेटली अगर 4 मार्क क्वेश्चन आ रहा है तो वो ईजी क्वेश्चन तो नहीं होगा। सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को कैसे करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। मुझे डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी के बारे में कि यह कंटिन्यूस है या नहीं है गाइस। सो नाउ कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, देखो तो पहले क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा, क्या है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है ना। जो चीज़ सिखा रहा हूँ बच्चों वो ईजी नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। क्या हो रहा है, अपन पहले करेंगे रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बच्चों। रूट टू अपॉन रूट टू से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है और प्रैक्टिस हो जाएगा। शक्ल देख लो, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ऐसा करना पड़ता है इनके अंदर। अच्छा, एक रूट टू को बाहर रहने दो, ऊपर वाला रूट टू बाहर, अंदर वाला नीचे वाला वन अपॉन रूट टू को अंदर भेजते हैं, तो साइन एक्स वन अपॉन रूट टू प्लस रूट टू कॉज एक्स। सी द पैटर्न गाइज, यूनिक चीज़ सीख रहे हो, नई चीज़ सीख रहे हो आप, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर क्या है, सब कुछ नया सीखना है, तो ये नया सीखने वाला पॉइंट है जहाँ पे सीखना है आपको। तो वन अपॉन रूट टू को अंदर भेजा ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। नाउ रूट टू साइन एक्स, हाँ वन अपॉन रूट टू क्या होता है, कॉस पाई बाय फोर। मैं सर साइन पाई बाय फोर भी तो होता है, नहीं नहीं, पर मैं कॉस पाई बाय फोर लिखूंगा क्योंकि कुछ चाहता हूँ मैं क्वेश्चन से। इसको आई विल राइट साइन पाई बाय फोर, नहीं इसको ऐसे लिखना है यहाँ पे, कॉस एक्स लिखना और साइन पाई बाय फोर लिखना, ठीक है। देखो मैं क्या चाहता था, मैंने देखा कि यहाँ फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे सुनाओ, आपने एक चीज़ सीखी आज कि कैसे मुझे इसको अरेंज करना है। पहले रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर अंदर भेजा, फिर मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट बनाना चालू किया। रूट टू किसका बना, साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर का फंक्शन बना। सो गाइस, मैं साइन एक्स प्लस कॉजेस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई फोर। इनफैक्ट आईआईटी में तो हम लोग ये चीज़ याद रखते हैं, ठीक है ना, कि ये लिखा तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे ना, वहाँ पे तो ये फॉर्मूला है कि याद रखो इसको डायरेक्टली। बट मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिया कैसे कन्वर्ट करना है और करना है। ऐसा मत समझना सर हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तीन लाइन नहीं हो सकती क्या, चार लाइन तीन लाइन दिख रही है यहाँ पे, क्या तीन लाइन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं आराम से। सो नॉट ए बिग डील, प्रैक्टिस इट गाइस, ठीक है। यहाँ पे नाउ आगे चलते हैं, नाउ लेट चेक एट x इक्वल्स टू, एक किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। जनरली अपन को हमेशा पॉइंट मिलता है, टू मिलता है, थ्री मिलता है, फोर मिलता है, कुछ ना कुछ पॉइंट मिलता है। अब मेरे पास पॉइंट नहीं है तो मैंने इसको ए पे चेक किया, ठीक है, यहाँ पे एक किसी पॉइंट पे ए पे बस चेक करते हैं बच्चों। सो कैसे करेंगे, नाउ लेट्स फाइंड आउट, पहले एल एच एल पर करते हैं अपन, ठीक है, एल एच एल करते हैं। तो क्या पुट करेंगे अपन, एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच, यही रखोगे, और कोई चांस नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू a पे माइनस एफ एक्स, लिमिट a पे माइनस रूट टू साइन x प्लस पाई बाय फोर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू है क्या, कोई इशू नहीं है ना। आगे चलो, अब h एंट्री मारने वाला है, तो h टेंस टू जीरो रूट टू साइन x की प्लेस पे क्या जाएगा, a माइनस एच प्लस पाई बाय फोर। डेफिनेटली गाइस, क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स बोर्ड में दे रहा है तो क्वेश्चन पीस ऑफ केक क्वेश्चन नहीं होगा। जिसको तुम अभी तक क्वेश्चन करते आए हो वो इतने ईजी थे, ये उतना ईजी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो a माइनस एच प्लस पाई बाय फोर। नाउ हाउ आई विल अरेंज दैम, साइन जरा देखना क्या करूँगा मैं,
मैं a प्लस पाई बाई फोर को साथ में लिखूंगा और माइनस h को अलग लिख दूंगा। क्या करा मैंने, a प्लस पाई बाई फोर को साथ में लिखा और माइनस h को मैंने अलग रख दिया। ठीक है, क्लियर है ना। नाउ आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन लेंदी है। रूट टू को तो कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, साइन h टेंस जीरो। अब देखो साइन a माइनस b, मैं लगा रहा फॉर्मूला साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का तो लेवल है, मैं पहले कहता हूँ साइन a, तो a की जगह पाई बाई फोर, तो ये सेटिंग भी याद रखना है कि a किसको मानना है आने वाले वक्त में और b किसको मानना है। ठीक है, और cos साइन h, क्या फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं। नाउ पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट मतलब h को जीरो रखना है, यही हुआ ना, तो एल एच एल का क्या फंडा होगा, रूट टू। अब पुटिंग लिमिट रखा है मतलब h को जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो ये जीरो इंट एनीथिंग जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया। कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है वन, वन इंटू एनीथिंग विल रिमेन सेम, तो क्या बचा साइन ए प्लस पाई बाय फोर, क्या फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ही हुआ, एल एच एल निकला है ना। नाउ दिक्कत आ रहा होगा, आई नो वेरी वेल, है ना, बट करना तो क्वेश्चन को ऐसे ही है। ठीक है, अब आर एच एल की बात करते हैं अपन, क्या पुट करेंगे बच्चों, पुटिंग एक्स प्लस टू ए प्लस एच, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ, स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है अपने पास, है ना, तो लिमिट डायरेक्ट तो क्या पूरा ही कर लेता हूँ, चलो यार ए प्लस एफ एक्स रखा, मैं डायरेक्ट कर रहे हैं, चलो डायरेक्ट नहीं करते, ए पे प्लस अपना एफ एक्स कौन है बच्चों, एफ एक्स ही रहा, रूट टू साइन ये आया, फिर लिमिट एच एंट्री मारने वाला है, रूट टू साइन एक्स की प्लेस पे जाएगा ए प्लस एच, और आप लोग क्या करना, आपको एच को अलग रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या आएगा लिमिट एच टेंस जीरो रूट टू साइन, देखना बच्चों अपन ए प्लस पाई बाय फोर को साथ रखेंगे और प्लस एच को अलग रखेंगे, ये बात ध्यान रखना, एच को अलग रखना, क्योंकि अपन लिमिट पुट करेंगे ना तो एच से जीरो हो जाएगी चीज़ें, तो ये पूरा तेरा ए हो गया, ये बी हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस पाई बाय फोर कॉस एच प्लस कॉस ए प्लस पाई बाय फोर साइन एच, फिर नाउ पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट मतलब एच जीरो, तो यही तो खास बात, इसलिए तो मैंने एच को अलग कर दिया ताकि पुटिंग जब लिमिट करेंगे तो एच में जाएगा जीरो, उससे साइन एच साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस एच मतलब कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, आर एच एल मिला रूट टू साइन, ये मिला, तो आपके पास आर एच एल की वैल्यू भी आ गई जो कि एज इट इज सेम एज एल एच एल जैसी आ रही है। ठीक है बच्चों, नाउ अपन आगे चलते हैं, मतलब मुझे अब एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, नाउ एफ एक्स कितना है मेरे पास, एफ एक्स कितना 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 है रूट टू साइन, अब इसमें मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब पॉइंट मैंने क्या माना है एक्स इक्वल्स टू ए माना है ना मैंने, तो रखो इसको यहां कंटिन्यू कर रहे हैं, चलो क्या यहां तक फंडा क्लियर, क्या यहां तक फंडा क्लियर, रूट टू साइन ए प्लस पाई बाय फोर, ठीक है परफेक्ट है ना, चलो सो एल एच एल आर एच एल और एफ ए पे वैल्यू सेम आ रही है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, क्या फंडा क्लियर, क्वेश्चन का लेवल था, क्वेश्चन डू रियल थिंग्स, क्वेश्चन फोर मार्क्स का है, एक सिंगल पार्ट फोर मार्क्स का। ठीक है यहाँ पे, तो पहले रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया फंक्शन लाए, फिर देन उसके बाद
LHL, RHL निकाला, पर पॉइंट था ही नहीं तो मैंने A मान लिया एंड फिर ये जो काम किया गाइस, प्रैक्टिस, हैंड रिटन प्रैक्टिस होगी तो काम कन्फर्म आपसे हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, क्लियर गाइस। चलो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों अब आते अपन बी वाले पार्ट पे। नाउ ये सेम क्वेश्चन है एज इट इज ए पार्ट जैसा, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, था यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है बच्चों। नाउ प्रोसेस इज सेम, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करना है, रूट टू से करना है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रूट टू तो बाहर रहेगा, एक वन अपॉन रूट टू है भाई नीचे, रूट टू मतलब वन अपॉन रूट टू, उस वन अपॉन रूट टू को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो साइन एक्स वन अपॉन रूट टू माइनस कॉज एक्स वन अपॉन रूट टू। तो बच्चों ये काम करते वक्त मुझे पता है कि मुझे साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी अप्लाई करना है, मुझे मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे करना है। ऐसा मत सोचना सर हम कैसे सोचेंगे, यार हमको नहीं सोचना है, पता होना चाहिए, घर से करके गए हैं अपन, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक तो एटलीस्ट करेंगे ना हम लोग, तो एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए यार। तो व्हाट वी कैन राइट पाई बाय फोर को, कॉस पाई बाय फोर माइनस कॉज एक्स, ये हो जाएगा साइन पाई बाय फोर, कोई इशू नहीं है। तो रूट टू ये बना साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। सो दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स माइनस, सॉरी माइनस का पाई बाय फोर, माइनस है ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत आता है अभी भी साइन, और बच्चों दिक्कत आता है तो भी याद कर लीजिए ना, दिक्कत को लेके नहीं चलना है अपन को, उसको हटाना है। कॉज ए साइन बी, ठीक है यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहे हैं अपन। नाउ तो दिस इज आर एफ एक्स, परफेक्ट। नाउ विल चेक इट एट अ पॉइंट, अब पॉइंट तो सर है ही नहीं, तो अपन एक पॉइंट लेते हैं ए, भाई ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी एनी रियल नंबर। गाइस प्लीज मेंशन योर बुक कॉपी, ए कौन है, एनी रियल नंबर। तो लेट चेक इट एट एक्स इक्वल्स टू ए। सो बात करते हैं अपन पहले पार्ट की, LHL के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने अपने फंक्शन को इस तरह ना लिख के इस तरह लिखना चालू कर दिया ताकि मेरा काम हो जाए। सो पुटिंग क्या करते हैं अपन, x इक्वल्स टू ए माइनस एच, तो लिमिट x टेंस टू ए पे माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू ए पे माइनस एफ साइन रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाय फोर। अब आप सबको पता है कि एच एंट्री मारने वाला है तो लिमिट बदल जाएगी, अब एच टेंस टू जीरो, एच इज ऑलवेज टेंस टू जीरो गाइज। तो एक्स में लिखा मैंने ए माइनस एच माइनस पाई बाय फोर, फिर हमको एक प्रोसेस पता है कि सर मैं एच को अलग रखता था, याद आ रहा है किसी को क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट टू साइन, क्या याद है सबको कि अपन ए प्लस पाई बाय फोर को, नहीं इस बार माइनस है, तो a माइनस पाई बाय फोर पर रखते थे और अपन h को अलग रखते हैं ताकि मैं लिमिट जब पुट करूँ तो मुझे h बढ़िया हेल्प कर दे, h को अलग रखते हैं, ध्यान रखना h को अलग। तो ये पूरा हो जाएगा तुम लोगों का साइन a माइनस बी का। सो बच्चों ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, परफेक्ट। अगर माइनस कोई इशू नहीं, बिंदास चल रहे हैं अपन आगे। नाउ सो थोड़ा सा स्पेस बना के रखते हैं अपन। सो आगे गए अपन, रूट टू को रखो बाहर, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन, अब साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस पाई बाय फोर cos h माइनस cos a माइनस पाई बाय फोर साइन एच। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, स्मूथली चल रहे हैं अपन। नाउ आगे चलते हैं अपन, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अच्छा अब अपन क्या कर देंगे, पुटिंग लिमिट, क्या कर देंगे अपन पुटिंग लिमिट। तो मतलब एच में क्या गया, जीरो गया बच्चों, उधर साइन जीरो तो होता है जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे कॉस में गया जीरो, तो कॉस जीरो इज वन, तो
तो ये बचा, तो क्या आया LHN में पास कितना आया बच्चों, रूट टू साइन ए माइनस पाई बाय फोर। तो गाइस मेरा LHN आ गया, एज सिंपल एज दैट। उसी तरह RHL आ जाएगा। सो अगला स्टेप RHL क्या पुटिंग करेंगे, पुटिंग x plus 2 a प्लस एच, ठीक है a प्लस एच। तो लिमिट x टेंस टू a पे प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a पे प्लस एफ एक्स कौन है वो रहा साइन, अपना फंक्शन ये रहा रूट टू साइन x माइनस पाई बाय फोर। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता है h एंट्री मारने वाला है, तो अगर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो रूट टू साइन क्या होगा a प्लस एच माइनस पाई बाय फोर। पर जैसे कि मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि h को अलग रखने का है बच्चों, मतलब आप समझ रहे हो ना बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे घर से पढ़ के जाने का है तो ही होगा, वरना तो नहीं होगा। एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तूफानी काम तो नहीं होगा, ये घर से करके जाने का है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए प्लस बी आया, अच्छा सर प्लस बी आया, तो प्लस वाले में यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला एज सिंपल एज दैट। तो जरा रखो यहाँ पे, तो रूट टू को रखो बाहर, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस बी, साइन ए कितना है, ए कितना है ए माइनस पाई बाय फोर कॉस एच प्लस कॉस ए माइनस पाई बाय फोर साइन एच। अब जब मैं कहता हूँ कि भाई साहब पुटिंग लिमिट की बात करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एच को रखा ज़ीरो तो साइन एच ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, इधर कॉस एच ज़ीरो, कॉस ज़ीरो होता है वन, तो आपके पास क्या आया आर एच एल इज रूट टू साइन ए माइनस पाई बाय फोर। तो योर आर एच एल ये रहा, योर आर एच एल, आप लोगों का आर एच एल ये रहा। तो एल एच एल आर एच एल सेम आ रहा है, तो मुझे अब एफ ए भी चेक करना पड़ेगा। सो थर्ड वन एफ एक्स में चेक करते हैं अपन, जो कि है रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाय फोर। तो एफ ए पे चेक करते हैं ए माइनस पाई बाय फोर, तो ये भी सेम आ रहा है। सो गाइस एल एच एल आर एच एल और एफ ए तीनों सेम आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू कितना है रूट टू साइन ए माइनस पाई बाय फोर। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, और एवरीवेयर लिख दो एट एक्स इक्वल्स टू ए लिखो, या लिख सकते हो कंटिन्यूस एट एवरी वेयर, चाहो तो ये लिख दो चाहो तो ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज सिंपल एज दैट। क्या क्वेश्चन अब क्लियर है बच्चों, दो क्वेश्चन करने के बाद तो क्लियर होना चाहिए फंडा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिंपली सॉल्व करना है, एंड सिर्फ मजदूरी है, मेहनत है, प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है यार, इतना टेंशन नहीं लेना, बस प्रैक्टिस कर लो एक बार, ऐसा ये लॉजिक समझ लो, उसके बाद हो जाएगा। क्लियर बच्चों, डन, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं सी वाले पार्ट पे, एफ एक्स को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ ये बहुत पुराना फॉर्मेट है, कुछ नया नहीं है, ये तो और इजी है, कुछ नहीं करा है मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ करा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, टू करेंगे अपन, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू। तो वी नो दैट ये किसका फॉर्मूला बना, किसका बना साइन टू एक्स का, हाफ साइन टू एक्स का, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से परफेक्ट। तो मेरा फंक्शन अब इस तरह ना दिख के इस तरह दिखने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट चेक एट एक्स इक्वल्स टू ए, और आप सबको पता है ए कौन है, रियल वैल्यू है, तो अपन लिख दो यहाँ पे रियल वैल्यू चाहो तो, पर आपको पता होना चाहिए एक्स क्या है, कोई भी नंबर एनी रियल वैल्यू हो सकती है। नाउ बात करते हैं अपन एल एच एल के बारे में बात करते हैं। सो वी नो दैट पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच, तो पहले आएगा x के बारे में a माइनस एफ एक्स, फिर लिमिट x इक्वल्स टू ए पे माइनस
हाफ साइन 2x। नाउ एच एंट्री मारने वाला है, विंग को पता है, हमको अच्छे से पता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो हाफ साइन 2 a माइनस x a माइनस एच a माइनस एच। क्या कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं, आराम से क्वेश्चन चल रहा है बिंदास। नाउ देखो अब अपन आगे चलते हैं अपन। सो अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा 2a और माइनस 2h, मैं लिख देता हूँ फिर भी, कई बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। साइन 2a माइनस 2h, क्या यहाँ तक कोई फंडा फंडा क्लियर है एकदम, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ लग रहा है फॉर्मूला साइन a माइनस b, क्या लग रहा है फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस नहीं माइनस कॉस ए साइन बी। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बहुत स्मूथली चल गए हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो जरा देखो आगे चलते हैं अपन। तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, हाफ तो लिखा हुआ बाहर, लिमिट एच टेंस जीरो साइन टू ए कॉस टू एच माइनस कॉस टू ए साइन टू एच, यहाँ तक भी क्लियर। पुटिंग लिमिट विल व्हाट राइट, पुटिंग लिमिट करा, मतलब h को जीरो रखा आपने, अच्छा अच्छा जीरो रखो साइन टू एच, एच जीरो साइन जीरो मतलब जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, हटाओ इसको हटाओ, माइनस हटाओ इसको, वो निपट गया, h में गया जीरो, तो cos जीरो कितना होता है अच्छा वन होता है वन, तो बचा क्या साइन टू ए बचा, तो आफ्टर दैट एल एच एन मेरे पास क्या आया हाफ साइन 2a, तो दिस इज माय LHL। क्या सबको फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन चल रहा है अपना, ठीक है। यहाँ पे तीनों पैटर्न सेम है, कुछ नहीं है, लेके बैठो आधा घंटा लगेगा, क्या लगेगा बताओ, इट विल टेक हाफ एन आवर एक घंटा, बट एटलीस्ट मेरा क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का वो कन्फर्म हो जाएगा भाई, अगर बोर्ड में आ गया तो मैं कर लूँगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं, है ना। आधा घंटा हाफ एन आवर 45 मिनट्स उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्लियर बच्चों, डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट RHL, वॉट विल पुट, क्या पुट करोगे, x इक्वल्स टू ए प्लस एच, परफेक्ट बिंदास चल रहा है ना, आराम से चल रहे, चलो 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 चलो। तो लिमिट आएगी x इक्वल्स टू ए पे क्या आएगा साइन, प्लस का साइन आएगा भाई साहब, RHL fx लिमिट x टेंस टू ए का प्लस, और मेरा फंक्शन है 1/2 साइन 2x, फिर भाई साहब h ने एंट्री मारी, तो h टेंस टू जीरो, छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखना बच्चों, a प्लस एच परफेक्ट, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दो उसको अपन, लिख दो हाफ लिमिट h टेंस टू जीरो हाफ साइन 2a प्लस 2h, कोई दिक्कत नहीं है, साइन a प्लस बी, अरे बच्चा साइन a प्लस बी है तो यहाँ लगेगा प्लस, तो यहाँ भी आएगा प्लस, स्टाइल पता है ना फॉर्मूला लिखने की, चलो आगे चलते हैं अपन। सो हाफ को रखो बाहर के कांस्टेंट है, तो साइन 2a cos 2h प्लस cos 2a sin 2h, यहाँ तक फंडा क्लियर। फिर मैंने बोला पुटिंग लिमिट। सो बच्चों क्या आया, हाफ आया, लिमिट h टेंस टू जीरो आया, अगर h को रखा मैंने जीरो, तो बच्चा साइन जीरो जीरो ये पूरा जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, तो मुझे क्या मिला साइन टू है, पुटिंग लिमिट के बाद लिमिट कभी नहीं लिखते जाना रखना, तो साइन टू है, तो मेरे पास RHL आ गया, कितना है हाफ साइन टू है, सेम सो अब FA भी निकालते हैं FA। सो तीसरा पार्ट FX, और अगर मैं एक्स ए पे चेक करता हूँ तो क्या आएगा हाफ साइन टू है, परफेक्ट बिंदास चले अपन आगे। सो ये भी सेम आ रहा है, सो नीचे लिखते हैं अपन LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, बोले तो हाफ साइन टू ए आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ ए या एवरीवेयर, ठीक है। सो फंक्शन इज
continues at every value of a, yeah, every value of x equals to a. क्या फंडा क्लियर? पक्का श्योर है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर पाए, ठीक है? आपको मैं कंसेप्ट सिखा दूँ बच्चों, एक यहाँ तक क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फंडे क्लियर है? चलूँ मैं आगे, मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, सुनो। अपन को पता है साइन का ग्राफ जब बनाते हैं अपन तो कंटिन्यूस वेव बनती है, मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है तो साइन का ग्राफ कंटिन्यूस है। कॉस का ग्राफ भी अगर बनाते हैं अपन तो वेव्स बनती है, तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है तो वो भी कंटिन्यूस है। फिर मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होगा, उनका डिवीजन कंटिन्यूस होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूस होगा। तो बच्चा यही तो किया फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स प्लस कॉस, अगर साइन कंटिन्यूस कॉस कंटिन्यूस तो उनका एडिशन भी तो कंटिन्यूस होगा, और हमारा कंटिन्यूस आया। सेकेंड पार्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूस आया ना, तो दो कंटिन्यूस थे उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस आएगा। एंड द लास्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आया, कंटिन्यूस आया कि नहीं आया? यस और नो बच्चों? अब देखो तीनों पार्ट कंटिन्यूस आए, तो दो अलग अलग फंक्शन जब कंटिन्यूस थे तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रेसिप्रोकल कंटिन्यूस। गाइज अगर तुम लोग भूल चुके हो ना, गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करा करेंगे, टाइमिंग सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे गो टू द प्ले लिस्ट, वॉच फर्स्ट पार्ट गाइज, वॉच फर्स्ट पार्ट इसका, वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें बताई है, ठीक है? सो गाइज क्लियर गाइज, प्रैक्टिस करें। पर क्वेश्चन अगर बोर्ड में चार मार्क्स का आता है, फोर मार्क्स का, तो आप प्रॉपर्टी लिख के नहीं कर सकते, आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा इसी के मार्क्स से, इसी के फोर मार्क्स से, ठीक है? यहाँ पे क्लियर डन। सो पॉज द वीडियो एंड नॉट डाउन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन 22 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसे जनरली बोर्ड में ऐसे लिखने को कभी नहीं आएगा कि भाई 3 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसा नहीं आएगा, सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे जनरल नॉलेज, बहुत जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है आ रहा ना। देखो कुछ भी नहीं है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कॉसाइन कॉसेक सेकेंड कॉटेंट, कॉट है सिंपल सी बात है, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कॉस की, ठीक है? कॉसाइन, हालांकि कुछ ज़रूरत नहीं लिखने की आपको, आपको पता है कि सर ग्राफ कैसे होता है, यू नो दैट, कि मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कॉस वाला जो कॉस एक्स जो है वो कंटिन्यूस रहेगा हर जगह, साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूस होंगे एट एवरी प्लेस, एट एवरी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? सो एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हमको पता है। सेकेंड बात करते हैं क्या है कॉसेक, नो बहुत सिंपल बताओ बच्चों, ये भी कंटिन्यू, मैं बताऊँ अब बताओ, ये चारों के चारों कंटिन्यूस है, बट कुछ एक लिमिटेशन इनकी है। देखो आप ऐसा सोचो बच्चों, सुनो, दिक्कत कहाँ आती है, जब फंक्शन मेरा नॉट डिफाइन हो जाता है, अच्छा सर नॉट डिफाइन मतलब इन्फाइनट, इन्फाइनट मतलब 1/0 हो जाता है, ठीक है? नॉट डिफाइन मतलब इन्फाइनट, इन्फाइनट मतलब 1/0। अब जरा देखो कॉसेक जो है नॉट डिफाइन कहाँ आता है, कॉसेक नॉट डिफाइन आता है 0 डिग्री पे, यस और नो? मतलब पाई पे, याद करो, याद करो कॉसेक पाई जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉट डिफाइन, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 11 पाई, 12 पाई, ये सारे क्या हो गए, नॉट डिफाइन होंगे बच्चों। तो आप लोग बोलोगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू एन पाई, और एन कौन है, मेरा इंटीजर है जेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन है मेरा इंटीजर, क्या बात क्लियर सब लोगों को, एक्स इक्वल्स टू एन पाई, एज सिंपल एज दैट। क्यों एन पाई पे क्या होता है, जरा सोचो बच्चों, साइन एन पाई होता है 0, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है? कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइन, तो ऐसे याद रखो, तो कैसे भी याद कर लो, याद करना है, ठीक है? तो बोर्ड में आ सकता है बच्चों, बोर्ड में आ सकता है, वॉट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ कॉसेक, तो ऑप्शन मिलेंगे उसमें, ध्यान रखना एन पाई पे नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं अपन, थर्ड की बात करते हैं फंक्शन सेकेंड, ठीक है? सेक के बारे में, तो आप, मैंने बोल दिया ना फंक्शन कंटिन्यूस है पर कहाँ नहीं है, 90 पे नहीं है, जरा सोचो सेक 90 होता है नॉट डिफाइन, पर एक लंबी दूरी के लिए सोचो, तो इसका बोलेंगे 2n+1π/2, ये सब चीज़ें 11th क्लास में पढ़ी है, सब कुछ आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों, बट भूल चुके, तो याद रखना पड़ेगा फंक्शन इज कंटिन्यूस
at everywhere, everywhere except x equals to 2n plus 1 pi by 2 और n कौन है मेरा इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे 2n plus 1 pi by 2 पे नहीं होगा क्योंकि ये सारे जो ऑड मल्टीपल, 2n plus 1 मतलब क्या है ऑड मल्टीपल हुआ, n को 1 रखो 2 plus 1 3, 2 रखो 4 plus 1 5, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 पे ये डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि वहाँ पे sec, अब तो छोटा, अब छोटा सोचो छोटा sec 90 कितना होता है, है ना, नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, तो उधर तो इसको माइनस कर देना एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद तो रखना ही पड़ेगा, रटो वॉट एवर यू कैन डू, याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ 11 में पढ़ी थी बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। फोर्थ पे करो याद, करो याद, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। लास्ट आते हैं कॉट पे, अच्छा कंटिन्यूस है, अच्छा कॉट नॉट डिफाइन कहाँ आता है, कॉट नॉट डिफाइन कहाँ आता है, कॉट नॉट डिफाइन आता है जीरो पे, अरे इतना तो याद है ना, जीरो पे आता है, जीरो मतलब एन पाई, जीरो मतलब एन पाई और 90 मतलब 2n plus 1 pi by 2, ऐसे कर लो, जीरो मतलब एन पाई और 90 मतलब 2n plus 1 pi by 2, तो cot जीरो पे मतलब एन पाई पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे सो फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी वेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू एन पाई और एन कौन है मेरा इंटीजर, जेड माने इंटीजर, जेड माने इंटीजर, तो बच्चा एन पाई पे ये नॉट डिफाइन है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस है, मस्त टेंशन फ्री। तो आपको बस इतना सोचो कि कॉट नॉट डिफाइन कहाँ आता है, बट टेबल तो आती है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी वो तो आता है, श्योर है ना, तो कॉट जीरो पे नॉट डिफाइन होता है, तो जीरो मतलब एन पाई और 90 मतलब 2n plus 1 pi by 2, क्या फंडा क्लियर गाइस, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चलें, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं कुछ पुराने फॉर्मुलाज का रिविजन कराना चाह रहा हूँ, जो सिर्फ हालांकि फॉर्मुलाज बहुत सारे फॉर्मुलाज है, बट 11th के फॉर्मुलाज को डिस्कस कर सकते हैं अपन, 11th के फॉर्मुलाज, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में लिखना, एनसीईआरटी में पहला फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस जीरो, क्या किसी को याद आ रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स क्या था, 1 था, किसी को याद है, किस किस को याद है जरा बताना कमेंट सेक्शन गाइस मुझे, कि 11th के फॉर्मूला किस किस को याद है, क्या आएगा टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तीसरा थर्ड फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए क्या था, एन ए की पावर एन माइनस 1, दिस वॉज द फॉर्मूला। शर्त ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स टेंस टू ए होना चाहिए, बहुत दायरे हैं, बहुत लिमिटेशन है गाइस इनके, 11th के फॉर्मूला से याद है, किस किस को याद है जरूर बताएं मुझे गाइस, किस किस को फॉर्मूला याद है, एंड प्लीज नोट इन योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में ऊपर यहाँ एक्सरसाइज के वहाँ पे नोट करना गाइस, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा वीडियो पॉज करें और याद करें फॉर्मूलाज को, रिकॉल करें, हो गया, चलो नाउ सो दिस फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यू, मुझे सारे पॉइंट निकालने हैं डिस्कंटिन्यू, अपन जीरो पे चेक करते हैं, जीरो पे ना, चलो चेक करते हैं। अच्छा ये बात तो क्लियर है सब लोगों को कि अपन जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो दिस इज LHL, दिस इज RHL, LHL का फंक्शन कौन सा है बच्चों, साइन एक्स अपॉन एक्स, और उसका कौन सा है RHL का, एक्स प्लस 1, फंडा क्लियर, फंडा क्लियर, श्योर है, श्योर गाइस, परफेक्ट, चले अपन आगे, चले ना, चलो आगे चलते हैं ना, मेहनत तो मांगेगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ 11th के कंसेप्ट आने चाहिए बच्चों ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं LHL के बारे में, बात करते हैं व्हाट वी विल पुट, जीरो पे कराया तो एक्स को जीरो माइनस एच, क्या माइनस एच लिख दूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए पे आएगा माइनस, ए पे नहीं जीरो पे आएगा माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे माइनस, फंक्शन एंट्री मारने वाला है साइन एक्स अपॉन एक्स, अब एच एंट्री मारने वाला है हमारा एच, किस किस के हाथ में जम गया है बच्चों, ये फॉर्मेट ही तरीका है, किस किस के हाथ में जम चुका है लिखते समय, हाथ अटकना नहीं चाहिए लिखते वक्त, चलो
अब माइनस एच रखना, अरे यार सर माइनस एच रखना है क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बचपन की बातें थी, क्या हमको याद है साइन के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वो माइनस साइन एक्स होता था? क्या सबको याद है? लिखना पड़ता है बच्चों, मुझे लिखना पड़ता है। डू वी रिमेंबर गाइस? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, माइनस अपॉन माइनस, तो माइनस से माइनस कटा, कैंसिल आउट। मैं लिख रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं इतना लिखने की, ज़रा उससे मैच करो। यहाँ x टेंस टू ज़ीरो, यहाँ h टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे x और x, तो यहाँ पे h और h, तो चीज़ें तो सेम है, वो x में है और ये h में, क्या फ़र्क पड़ता है सर? बट सब कुछ मैच हो रहा है उसके हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? वन आएगा। यस और नो गाइस, ये फार्मूला आपको बोर्ड एग्जाम्स में, अपने हर एग्जाम्स में, अपनी रफ कॉपी में तक में भी आपको फार्मूला लिखना रहेगा ताकि याद हो सके। तो बच्चा लोग आपका LHL कितना आया है? वन आया है। क्या फंडा, क्लियर? बिंदास सेकंड पे चलते हैं। RHL, व्हाट वी विल पुट, पुटिंग x इक्वल टू जीरो प्लस एच, बोले तो प्लस एच, लिमिट x इक्वल टू जीरो पे प्लस एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स क्या है मेरा x प्लस वन, कोई इशू नहीं है, कोई इशू है क्या? RHL मेरा x प्लस वन है, पुट अब h एंट्री मारने वाला था, लिमिट h टेंस जीरो तो h प्लस वन, भाई पुटिंग लिमिट करेंगे, पुटिंग लिमिट रखा मैंने h जीरो तो बचा कितना, RHL कितना आया? क्या फंडा, क्लियर? एज सिंपल एज दैट, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। नाउ नाउ लेट्स चेक इट एट एट एफ एक्स इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू वाला फंक्शन कौन सा है बच्चों? एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन कौन सा आ रहा है हमारा? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस वन और मुझे रखना है इसमें जीरो रखूँगा, तो जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, तो एफ वन पे आ रहा है वन। सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ वन इक्वल्स टू वन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक कहानी खत्म हुई, बट मुझे क्वेश्चन कुछ और मांगा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस, देर इज नो सच पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी साइज, ठीक है? तो एक लाइन और ऐड कर लो, सो देर इज नो सच पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देर इज नो सच पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गाइज। मुझे जीरो पे चेक करना था, मतलब जीरो से इधर भी ग्राफ अच्छा बन रहा है, जीरो से उधर भी ग्राफ अच्छा बन रहा है, तो जीरो पे चेक करना था। क्वेश्चन ने कहा जीरो पे डिसकंटिन्यूस होता तो डिसकंटिन्यूस लिखते हैं, पर जीरो पे भी कंटिन्यूस आ गया, मतलब अब हर जगह ही कंटिन्यूस है, इधर भी पूरा जा रहा है, इधर ही पूरा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा मत सोचो। जब भी क्वेश्चन बोले फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, तो आप लोग और वो जो पॉइंट दिया होगा वहाँ पर चेक कर लो, अगर वहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है तो बस सब जगह कंटिन्यूस है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सीधी सी बात, ज़्यादा सोचने का नहीं, वहाँ पे कंटिन्यूस आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह, हर वैल्यू पे। क्या फंडा, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, पुरानी चीज़ें याद दिलाता है, फ्लैशबैक में ले जाता है हमको, तो ये तीन चीज़ें याद रखने का, ये बेसिक कंसेप्ट याद रखने का, रिवाइज करा दिया है और क्वेश्चन अब कुछ क्वालिटी क्वेश्चन चालू होना आ रहे हैं यहाँ पे, अब अच्छे क्वेश्चन थोड़े से आएंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे। क्लियर गाइस? डन, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारी चीज सीखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। नाउ मैं सिखाते हैं अपन, चलो। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल जीरो और जीरो पे जीरो इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, मतलब मुझे प्रूव करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, किससे? जीरो पे, ठीक है? यहाँ पे ना आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। आपको आता है बट आप कभी एनालाइज नहीं करते हो कि यार आपको किस लेवल पे चीज़ें आती है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द ग्राफ। ग्राफ तो क्या है, क्वेश्चन को समरी करते हैं अपन, समराइज करते हैं, ये आप भी करा करो,
दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. एटलीस्ट जो बच्चे मेरे एवरेज हैं, जो अच्छा ग्रो करेंगे मेहनत कर करके, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ना. तो अच्छा एक चीज़ सुनो, जब मैंने पहले भी सिखाया है कि अगर जीरो पे तो जीरो दे रखा है, पर जब नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब इसका मीनिंग हुआ कि एल एच एल भी इसी पे ही है और आर एच एल भी इसी पे ही है. यही तो हुआ कि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो एल एच एल भी वही, आर एच एल भी वही, और जीरो पे तो जीरो. तो इधर फंक्शन जो आ रहा है मेरा वो एक्स इसको आया साइन वन अपॉन एक्स, और इधर भी जो एफ एक्स आ रहा है वो एक्स को आया साइन वन अपॉन एक्स ही आ रहा है. और जीरो पे तो एग्जैक्टली जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. कोई दिक्कत किसी को, बिंदास चलें अपन आगे. इसको अच्छा से लिखूँ मैं, एफ एक्स जीरो पे जीरो आ रहा है. क्या फंडे, क्लियर बच्चों? नो, चलो प्रोसेस वही, कुछ भी नया नहीं है. एल एच एल के बारे में बात करते हैं, तो पुटिंग करेंगे अपन. क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, बोले तो माइनस एच लिमिट. फंडा क्लियर, फंडे क्लियर. एक्स को जीरो पे माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स को जीरो पे माइनस. तो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, अभी भी क्लियर सर? कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. चलो पुटिंग लिमिट नहीं, एच एंट्री मारने वाला है. तो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन माइनस एच. अब गाइज थोड़ा सा शांत रुक जाओ, अब आ जाओ यहाँ तक तो क्लियर. पेन जरा रख दो, जो लोग कॉपी कर रहे हैं प्लीज़ समझो बच्चों. माइनस का स्क्वायर प्लस, तो एच का स्क्वायर एच. अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में लिखवाया है मैंने आप लोगों को कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव्स आता है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है. यस नो, एग्री उस कोने में लिखवाया था, है ना? तो इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ठेठ यहाँ आ जाएगा. और लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये माइनस जो आया और साइन वन अपॉन एच. यहाँ तक भी क्लियर, ठीक है? अब सर अब क्या करें, अभी रुको आ जाओ. अपन करते हैं पुटिंग लिमिट. क्या करें, पुटिंग लिमिट करा मैंने, तो जरा देखना. माइनस, ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो, अरे एच जीरो ही होता है ना सर. इधर आगे 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 वन अपॉन जीरो होगा सर. वन अपॉन जीरो तो सर इन्फाइनेट होता है. वन अपॉन जीरो, मैं हर एक चीज़ लिख रहा हूँ बच्चों, मैं हर एक चीज़ लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा. तो सर इधर साइन इन्फाइनेट, सर इन्फाइनेट तो जनरली नॉट डिफाइन मानते हैं. सवाल आना जी, सवाल अपन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. तो मैं आपके सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे मन में आया है सर इन्फाइनेट एंड सर नॉट डिफाइन? नहीं, रुक जा, ये साइन के अंदर इन्फाइनेट है, ये ऐसे बाहर खुला घूमने वाला इन्फाइनेट नहीं है, ये साइन के अंदर इन्फाइनेट घूम रहा है. अच्छा तो सर, तो जरा देखो प्लीज आ जाओ बच्चों, याद करो, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूं मैं कि साइन एक्स जो है हमेशा माइनस वन से वन के बीच में घूमेगा, भले ये एक्स कितना भी बड़ा हो, भले ये एक्स का साइन एक लाख, साइन दस लाख का एंगल, साइन 15 लाख, 20 लाख, माइनस में 10 लाख, प्लस में 25 लाख, साइन 1 करोड़ की वैल्यू भी, 1 करोड़ डिग्री हो सकती है कोई मना नहीं है, तो भी उसका आंसर माइनस वन और वन के बीच में ही रोटेट होता रहेगा. तो सर साइन इन्फानेट, हाँ साइन इन्फानेट की वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में ही आ रही है, ऐसा तो नहीं अनशंड आ रही, कुछ भी आ रही ऐसा तो नहीं हो रहा, तो वैल्यू तो माइनस वन से, अच्छा मतलब माइनस वन से वन के बीच डिफाइंड वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी पर माइनस वन से वन के बीच में एक डिफाइंड वैल्यू ही आएगी. तो बच्चा तो ये जो घूम रहा है ये माइनस वन से वन के बीच में घूम रहा है, और जो भी आएगा वो वैल्यू इन टू जीरो विल गिव यू जीरो, ठीक है? यहाँ पे तो आपका एल एच एल कितना आया, जीरो आया, ठीक है? तो सर ऐसे ही बोल लेते, इतनी तकलीफ क्यों पाई आपने, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो बोल लेते. नहीं, एग्जाम में ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, इसके अपने मार्क्स है. अगर मान लो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो इसके 1/4 या हाफ मार्क्स इनके मान के चलना, उसको एग्जाम में पता होना चाहिए कि आपको आता है कि साइन इन्फानेट, आपको बच्चों को पता है कि वो माइनस वन से वन के बीच में रोटेट होता रहता है. आई बात समझ में? कई बुक में आर डी शर्मा या कोई भी बुक खोलेंगे तो वहाँ पे ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस वन से वन बोला गया, ऑसिलेटिंग भारी वर्ड बोला है ना,
डजेंट मैटर, कुल मिला के माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू घूम रही है, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, डिफाइंड वैल्यू आएगी, फिर जो भी आएगी इनटू जीरो एनीथिंग विल गिव यू जीरो। क्या समझ में आया? ये चीज़ थी समझाने लायक, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपको सीखा आप लोगों ने कि सर ऐसा भी होता है, तो साइन इन्फानेट कभी जीवन में आ जाए, आईआईटी में तकलीफ देता रहेगा ये चीज़ें, है ना। तो आप कहना सर माइनस वन से वन वैल्यू तो नहीं पता, बट माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू होगी उसकी। क्या चल रहे हैं अपन आगे? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सिखाना था मुझे ये, तो यही तो सिखाने की चीज़ थी, है ना। चलो आगे चलते हैं अपन, आरएचएल पे आते हैं, पुटिंग करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, बोले तो एच लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे प्लस, और एफ एक्स कौन है? एफ एक्स कौन है सर? वही तो रहेगा, सोचना क्यों है? यही एल एच एल, यही आर एच एल, यही राजा यही प्यादा, यही एल एच एल, यही आर एच एल, ठीक है। अब सर अब एच एंट्री मारेगा, तो एच ने जब एंट्री मारी, ठीक है, तो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, सर वैसे ही आ गया, हाँ वैसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि आंसर को कंटिन्यूस वैसे ही प्रूव करना है। फिर पुटिंग लिमिट परफेक्ट, तो भाई साहब एच स्क्वायर का जीरो स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन जीरो, बोले तो वही बात, साइन इन्फानाइट मतलब कितना आया जीरो, तो आर एच एल भी कितना आया जीरो। हाँ अगर ये लाइन आपने लिख दी एक बार तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, पता है आप ऐसा सोच के लेके आए हो। लास्ट एफ एक्स पे जो कि है जीरो, तो एफ जीरो पे जीरो, अरे दे रखा है ना भाई साहब, दे रखा है ना जीरो पे कितना रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है, दे रहा क्वेश्चन दे रखा है। सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ जीरो पे जीरो आ रहा है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या बात, सबको क्लियर है? पक्का श्योर फंडे क्लियर? बहुत अमेजिंग चीज थी, कैसी लगी गाइस जरूर बताएं मुझे, फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नॉट ऑन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जीरो पे ना हो तो, सो गाइस और जीरो पे माइनस वन, तो गाइस इसी पे यू नो एल एच एल निकलेगा और इसी पे आर एच एल निकलेगा, एल एच एल आर एच एल का फंक्शन सेम, ठीक है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ गाइस, कोई टफ नहीं है, मैं फिर भी क्वेश्चन को समराइज करता हूँ बच्चों के लिए, है ना। चलो एफ एल एच एल ये रहा, आर एच एल यहाँ होगा, एफ एक्स इसका कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या फंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जैक्टली जीरो पे कितना आ रहा है बच्चा, एग्जैक्टली जीरो पे कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस वन, क्या फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एल एच एल फंक्शन, तो पुटिंग क्या करेंगे अपन, एक्स क्वेश्चन जीरो माइनस एच, बोले तो माइनस एच एस सिंपल, तो लिमिट ये हाथ पे जम दे बच्चों। मैं अगर बार बार लिख रहा हूँ, मतलब मैं भी कह सकता हूँ कि उधर से कर लो कॉपी कर लो, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ताकि कोई बच्चा कभी भी एंट्री मारे और क्वेश्चन देखे तो उसको 100% चीज़ मिले यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस आप लोग भी पूरा प्रॉपर वे में लैंग्वेज लिखें इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे माइनस, फंक्शन क्या है मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो पुटिंग लिमिट कर रहे हैं तो एच पुटिंग लो, एच जाएगा एंट्री मारेगा साइन माइनस एच, ठीक है। अब पुटिंग लिमिट पी एल मीन्स पुटिंग लिमिट, तो जब एच जीरो रखा तो साइन, अरे माइनस जीरो मतलब जीरो, साइन जीरो कितना होता है सर, जीरो ही होता है, हाँ जीरो होता है। कॉस जीरो कितना होता है, अरे माइनस इंटू एच, एच जीरो, जीरो इंटू माइनस जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है, कितना होता है वन होता है, तो अल्टीमेट तुम्हें कितना मिला यहाँ पे, एल एच एल कितना मिला माइनस वन मिला, क्या यहाँ तक पार्ट क्लियर प्रॉपर? नाउ आगे चलते हैं आर एच एल तरफ चलते हैं, पुटिंग लिखते लिखते बोरिंग हो जाएगा बट स्टिल कमांड पूरी आनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस जीरो पे प्लस
एफ एक्स, फिर फंक्शन की एंट्री होगी, और मैंने दो बार लिख दिया क्या, चलो फिर यहाँ आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लिमिट, अब एच एंट्री मारने वाला है तो साइन एच माइनस कॉज एच, वही पी एल मतलब पुटिंग लिमिट साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो बचा क्या माइनस वन, तो आर एच एल कितना आया बच्चा, कितना आया माइनस वन, और मुझे जो जीरो पे दे रखा है, जीरो पे माइनस वन ही दे रखा है, तो एफ और एफ जीरो पे आ रहा है माइनस वन, सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ जीरो इक्वल्स टू माइनस का वन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्या फंडा, क्लियर, इजी, नॉट एट ऑल टफ, नॉट एट ऑल टफ, ठीक है बच्चों, क्लियर, परफेक्ट, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नौ बच्चों कुछ अमेजिंग क्वेश्चन जहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बट अभी भी इनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और ये तो बनते ही हैं, नो डाउट एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। नौ लेट्स स्टार्ट, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, मुझे के की वैल्यू या कोई भी ऐसी अननोन वैल्यू निकालनी, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है जिस पे फंक्शन क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एफ एक्स क्वेश्चन के कॉज एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू थ्री एफ एक्स इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं, अपन चालू करते बच्चों, चलो अपन लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये चीज़ देख रहे होंगे आई थिंक, आपको दिख रहा है कि पाई बाई टू पे अगर थ्री है और इधर नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब एल एच एल भी इसमें होगा और आर एच एल भी इसी पे होगा, यस और नो गाइस, परफेक्ट ना। सो अब एल एच एल की बात करते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू पे माइनस आना जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू पे माइनस के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, एज सिंपल है। अब एच एंट्री मारने वाला है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के कॉस पाई बाय टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू पाई बाय टू माइनस एच, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जरा ओपन करें इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जरा खोलें इसको के, अच्छा कॉज 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, गाइस कॉज पाई बाय टू था 90, कॉज 90 माइनस एच होगा साइन एच, फर्स्ट पार्ट चला गया पॉजिटिव रहा साइन एच अपॉन, जरा इसको ओपन करें पाई माइनस पाई प्लस टू एच, जरा देखना बच्चों ये जब अंदर जाएगा तो टू पाई बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एच, ये और ये गया तो हमको मिला के साइन एच अपॉन टू एच, कोई दिक्कत है, मैं परफेक्ट वे सिखाता हूँ, के और टू कॉन्स्टेंट तो बाहर चले गए, एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, गाइस किसी की शक्ल देख रही है इसको देख के किसको महसूस कर रहे हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर वन होगी, तो आपका वैल्यू कितना आया, तो आपका एल एच एल कितना आया बच्चों के बाय टू, अरे याद करो अभी पढ़ाया था तीन क्वेश्चन पहले मैंने, हमको पता है लिमिट एक्स टेंस जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या है वन है, तो साइन एच अपॉन एच क्या होगा वही एच टेंस जीरो, तो साइन एच अपॉन एच वन, ये एक्स की टर्म में ये एच की टर्म में, तो के बाय टू इंटू वन, तो के बाय टू, क्या फंडा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द आर एच एल, आर एच एल तो पुटिंग क्या करेंगे उधर, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू प्लस एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू पे प्लस एन आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू प्लस, वही फंक्शन रहेगा, अब एच एंट्री मारने वाला है के कॉज पाई बाय टू माइनस प्लस एच पाई बाय पाई माइनस पाई बाय टू प्लस एच, एज सिंपल एज दैट, कोई लॉजिक वाली खतरनाक चीज़ नहीं करी अपन ने।
ना जरा देखो बच्चों, देखो ध्यान से, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज वो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, अब अलाइन एंगल्स तो आता है ना, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन में तो ऑड है तो साइन नहीं बदलेगा और माइनस आएगा, तो माइनस के। अच्छा किसी किसी बच्चों का अलाइन एंगल्स प्रॉब्लम है तो गाइस उसका वीडियो अवेलेबल है, गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच द वीडियो ऑफ अलाइन एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, ए ओ वाई सब खतरनाक काम है, अलाइन एंगल्स के बिना, अलाइन एंगल्स के बिना नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अलाइन एंगल्स, अलाइंड एंगल्स। पाई माइनस खोलो, माइनस पाई माइनस टू एच, तो पाई से पाई गया है ना, एट लास्ट हमको क्या मिला, लिमिट। अच्छा कॉन्स्टेंट बाहर रख, चलो अभी नहीं रखते लिमिट, इसमें कुछ स्टेप अपन ना गायब कर सकते हैं, वह कुछ को मर्ज करके अपन कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों, वह मैं तो क्या समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो सकता है, के बाय टू बाहर आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस तुम्हारा क्या बन गया, वन, तो आर एच एल कितना आया, के बाय टू। सो फंक्शन को कंटिन्यूस पकड़ना है, फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो उसकी कंडीशन होती है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स, जो कि है यहाँ पे पाई बाय टू है और जो कि है थ्री, ठीक है ना। तो एल एच एल कितना है, के बाय टू, आर एच एल भी है के बाय टू और इधर थ्री है, तो किसी भी को कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो के बाय टू इक्वल टू थ्री, तो के की वैल्यू कितनी आई, सिक्स आई। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूस करना है मुझे, फंक्शन को कंटिन्यूस करना है मुझे, तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी और लगाने के बाद के की वैल्यू कितनी आई, सिक्स आई, तो के की वैल्यू सिक्स होगी ना, तब मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, अलाइन एंगल सबको आता है, नहीं आता तो भी कर लो यार, वीडियो अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। सो गाइस फंडा क्लियर, चलें आगे, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों 27 इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन टू में थ्री है, एट एक्स इक्वल टू, मतलब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, के की निकालनी है यहाँ पे, और टू पे देखना है के की वैल्यू ऐसी क्या होगी टू पे वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो बहुत सिंपल है भाई, एल एच एल वाला ये रहा, आर एच एल में थ्री दे रखा है भाई, एक्स ग्रेटर देन टू है तो मतलब आर एच एल हो गया ना, दिस इज आर एच एल, दिस इज एल एच एल, और एफ एक्स पे भी के एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन चलेगा। सो नाउ ईजी, बहुत बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ पे तो पुटिंग कर रहे हैं, क्या पुटिंग कर रहे हैं, x इक्वल टू टू माइनस एच, सही कर रहे हैं अपन, परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट। सो लिमिट x के नीचे जाएगा, टू पे माइनस आएगा, एफ एक्स आएगा, लिमिट आएगा x के नीचे टू पे माइनस आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा। अब h वाले इंसान एंट्री मार रहे हैं तो h टेंस टू जीरो, तो k टू माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, पुटिंग लिमिट कर दो, पुटिंग लिमिट करा तो एल एच एल कितना आया, एच ज़ीरो हो गया, टू का स्क्वायर फोर होता है तो फोर के आ गया। क्या फंडा क्लियर, एज सिंपल एज दैट। दूसरा मुझे बहुत क्लियरली एफ एक्स वाला दे रखा है, तो एफ टू पे के टू का स्क्वायर तो ये फोर के, वापस फोर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आर एच एल की बात करते हैं बच्चों, तो आपको आर एच एल बहुत क्लियर लिख रहा है कि आपको आर एच एल कितना मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, मैं फालतू की फॉर्मेलिटी कर ही नहीं रहा, थ्री मिल रहा है क्लियरली। सो एल एच एल शुड बी आर इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ टू, है ना, तो ये भी कितना आ रहा है, फोर के आ रहा है, और आर एच एल कितना है, थ्री है, और ये भी फोर के ही है, तो किसी भी एक को कंपेयर कर लो, ये भी फोर के ही है ना, आप तो इसको कंपेयर कर लो, तो के इक्वल टू कितना आया बच्चों, थ्री बाय फोर। सो बच्चा लोग के की वैल्यू थ्री बाय फोर होनी चाहिए ताकि फंक्शन कंटिन्यूस होवे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए के की वैल्यू क्या हो, तो के शुड बी थ्री बाय फोर फॉर गेटिंग द फंक्शन कंटिन्यूस। क्लियर गाइज, क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइज। सो बच्चों लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 28, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा गाइस। क्या कर रहा है यहाँ पे, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन, कब एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई, एट एक्स इक्वल टू
पाई, ठीक है। यहाँ पे मतलब पाई मुझे चेक करना है कि फंक्शन कब कंटिन्यूस हो जाए ताकि के की वैल्यू, मतलब के की क्या वैल्यू हो कि फंक्शन मुझे कंटिन्यूस मिले यहाँ पे। नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट। इट्स इजीली दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स लेस देन पाई तो हमारा एलएचएल फंक्शन ही हो जाएगा और एक्स ग्रेटर देन पाई है तो आरएचएल फंक्शन आपका कॉस एक्स हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो लेट्स फाइंड आउट द एलएचएल, ठीक है। तो व्हाट विल पुट, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस एच डेफिनेटली, सो लिमिट, सबके हाथ जम गए बच्चों, हाथ जमे कि नहीं जमे जरा बताना जरूर मुझे लिखने में ये जम, ठीक है। अब लिमिट, अब एच एंट्री मारने वाला है तो के पाई माइनस एच प्लस वन, परफेक्ट, एज सिंपल एज दैट, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। पुटिंग लिमिट तो h जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट, तो लिमिट हट जाएगी तो पाई k प्लस वन, दिस इज योर एल एच एल। क्या सबको फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगर आप आर एच एल भी निकालते बच्चों तो देखो, इफ यू फाइंड आर एच एल ऑल्सो तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी, पुटिंग x इक्वल्स टू पाई प्लस एच, तो लिमिट। पर आप एग्जाम में आर एच एल जरूर निकाल के जाना, हुआ भली सेम आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे पाई पे प्लस, इट हार्डली टेक्स गाइस, है ना। अच्छा यहाँ तो निकालना ही, वैसे भी कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आर एच एल निकालना है, कॉस एक्स लिमिट, अब आएगा एच एंट्री मारने वाला है तो एच टेन जीरो कॉस पाई प्लस एच। अच्छा सर कॉस पाई प्लस एच आ गया, अच्छा 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 180 प्लस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे तो व्हाट इट विल कम, माइनस का कॉस एच, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे भाई अलाइन एंगल्स आना चाहिए, अलाइन एंगल्स तो मैं मानता हूँ कि आपको आता होगा, तो कॉस 180 प्लस एच माइनस कॉस एच, ठीक है। यहाँ पे पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट रखो आप, तो लिमिट करो रखा अगर आपने तो h जीरो गया, cos जीरो कितना होता है 1 होता है, तो यू आर एच एल इज माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर, कुछ बच्चों की इच्छा कर रही है सर मुझे तो वो एफ एक्स वाला भी दो, एफ एक्स वाला होता है ना वो के एक्स प्लस 1 रखते हैं तो पाई, तो के पाई प्लस 1, सो भाई वही आएगा के पाई प्लस 1। सो फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो एल एच एल शुड बी इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ पाई, ठीक है। यहाँ पे एफ पाई, ठीक है। यहाँ पे ना एल एच एल कितना है हमारे पास, पाई के प्लस वन, आर एच एल कितना बच्चा माइनस वन, बोले तो इक्वल्स टू एफ पाई भी के पाई प्लस वन है। इन दो को पकड़ लो, इन दो को पकड़ लो और कर लो, ये वहाँ जाके हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, तो इक्वल्स टू माइनस टू के पाई, तो के इक्वल्स टू माइनस टू बाय माइनस टू बाय पाई, सो के की वैल्यू क्या आई माइनस टू बाय पाई। क्या फंडा क्लियर बच्चों, सो कुल मिला के क्वेश्चन ये हुआ कि मुझे के की वैल्यू माइनस टू बाय पाई आनी चाहिए ताकि मेरा फंक्शन क्या हो जाए कंटिन्यूस गाइस, क्लियर बच्चा, क्वेश्चन इजी, डन। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन 29 पे आते हैं, कह रहा है द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक है। x less than equals 5, x greater than 5 at x equals 5, तो कुल मिला के भाई k की वैल्यू निकालनी है 5 पे, as simple as that। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है गाइस, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। वापस LHL भाई, less than equals to 5 मतलब LHL फंक्शन और 5 वाला फंक्शन, greater than 5 मतलब RHL फंक्शन, ठीक है। सो क्या पुट करेंगे बार, पुटिंग x equals to 5 माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट x tends to 5 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 पे माइनस के एक्स प्लस 1, तो लिमिट, अब h एंट्री मारने वाला है तो k 5 माइनस एच प्लस 1, एज सिंपल एज दैट। तो पुटिंग लिमिट, तो h जीरो गया तो एल एच एल वाला फंक्शन कितना आया 5 के प्लस 1, एज सिंपल एज दैट, 5 के प्लस 1, बहुत क्लियर सी बात है। नाउ कई बच्चों के मन में सवाल आता है, थोड़ा मोड़ा आता है, अब जैसे सर मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये वाला एफ एक्स वाला, सर क्यों निकाल रहा हूँ, ज़रूरत का है? हाँ तो नहीं ज़रूरत, अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही है कि आपको पता है सर वैल्यू तो यही आने वाली है,
एज इट इज़, तो नहीं निकालना तो मत निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आर एच एल की बात करते हैं अपन, तो क्या पुट करेगा, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू फाइव प्लस एच, बहुत क्लियर है। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव पे प्लस, फंक्शन क्या है, थ्री एक्स माइनस फाइव, है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू एच, अब आएगा एच ने एंट्री मारी है, ठीक है, थ्री फाइव प्लस एच माइनस फाइव, है ना। तो बच्चों लोग पुटिंग लिमिट, तो आर एच एल कितना आएगा भाई, एच जीरो, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फाइव कितना आया, टेन आया कि नहीं आया। सो हम सबको पता है कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ फाइव इक्वल होगा, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यही तो कंडीशन है। तो एल एच एल कितना रहा है, फाइव के प्लस वन इक्वल्स टू फाइव के, आर एच एल कितना है, टेन है, और ये भी फाइव के प्लस वन, किसी भी एक को कंपेयर कर लो, बात तो एक ही है ना। अरे इसको इसको मत कंपेयर करना, इक्वल इक्वल करके कंपेयर करोगे, कंपेयर तो इसको इसको करेंगे। तो ये कितना आया, टेन, ये हुआ नाइन, ये फाइव के, तो के इक्वल्स टू नाइन बाय फाइव। तो यहाँ तक के फंडे क्लियर, क्या इस सीरीज के क्वेश्चन क्लियर हो गए, जहाँ पे मुझे के की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल है, कोई टफ नहीं है गाइस, क्लियर बच्चों, डन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी के बारे में। क्वेश्चन थर्टी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इलेवंथ में करा हुआ है, इलेवंथ के एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सर जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, फंक्शन पूरा दे रहा है, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन मर्ज है, आप नोटिस कर रहे हो गाइस, एक टू पे चेक करना है और एक टेन पे चेक करना है, ठीक है। टू का एल एच एल ये रहा, टू का आर एच एल ये रहा, टेन का एल एच एल ये रहा, टेन का आर एच एल ये रहा, वी नो दैट ना, इस पे कमांड है हमारी, इस कंटिन्यूस फंक्शन गाइस, ठीक है। यहाँ पे सो क्वेश्चन, आप लोग पहले यहाँ जजमेंट करो, पहले यहाँ देखो आप लोग, क्या टू वाला देख रहे हो, टू का एल एच एल, टू का आर एच एल, और एक टेन का एल एच एल, टेन का आर एच एल, क्या ये फंडे क्लियर है, पहले भी करें अपन ने। नाउ लेट्स स्टार्ट, अपन बात करते हैं एट एक्स क्वेश्चन टू पे बात करते हैं पहले, तो इसके एल एच एल की बात करते हैं बच्चों। तो आपको साफ सा दिख रहा है कि x टेंस टू टू पे माइनस एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू टू पे माइनस, और क्या आएगा, फाइव, तो क्या आ रहा है, तो एल एच एल इज फाइव, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात करते हैं अपन आर एच एल की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू विल पुट, पुटिंग x इक्वल्स टू टू माइनस एच, नहीं टू प्लस एच, है ना। सो लिमिट x टेंस टू टू पे प्लस का साइन एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू टू पे प्लस का साइन, एंड विल पुट द फंक्शन ए एक्स प्लस बी, लिमिट h टेंस टू जीरो गाइस, टू प्लस एच प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, टू ए प्लस एच प्लस बी, एज सिंपल एज, ठीक है। सो पुटिंग लिमिट, तो h विल बिकम जीरो, तो 2a प्लस बी, तो क्या आएगा, आर एच एल क्या आया, 2a प्लस बी, तो एल एच एल आर एच एल आ गया। और वो अगर एफ ए निकालना हो बच्चों, अगर अगर आपको एफ टू निकालना है तो वो 5 आएगा, एंड फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ टू, तो एल एच एल कितना है, 5, आर एच एल कितना है, 2a प्लस बी, और ये कितना है, 5। तो भाई सिंपल सा इसको कंपेयर कर लें अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है, मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो एक आई इक्वेशन मेरी है ना, आई थिंक फंडे सारे क्लियर हैं ना, ऐसा नहीं कोई डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ, पहले पुराने क्वेश्चन पढ़े, और डायरेक्ट भी आ रहा है तो कोई ऐसा टफ टास्क। सो अपन अब करते हैं इस पे, एट एक्स इक्वल्स टू टेन पे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक पंडे क्लियर, इक्वेशन बना गया। नाउ 10 पे अगर बात करते हैं अगर अपन, तो एल एच एल करेंगे, तो एल एच एल फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, एंड आर एच एल फंक्शन है 21। तो एल एच एल की बात करते हैं अगर अपन, तो क्या होगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू 10 माइनस एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू 10 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स इक्वल टू 10 पे माइनस एफ एक्स क्या है,
ये लिमिट h टेंस टू जीरो a 10 माइनस h प्लस b, एज सिंपल एज दैट। देन पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट पी ए लिख दिया मैंने, h जीरो के अंदर 10 a प्लस b, तो दिस इज व्हाट एल एच एल। नो बहुत क्लियर दिख रहा है कि आर एच एल तुम्हारा क्या होगा बच्चों, बहुत क्लियरली आर एच एल तुम्हारा डायरेक्टली 21, ठीक है। यहाँ पे तो अपन ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते, अपन सिंपल सा कर लेते हैं, है ना। कर भी लोगे तो x टेंस टू 10 पे प्लस एफ एक्स 10 पे प्लस 21 इक्वल टू 21, तो आपका आर एच एल भी कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा। और पर्टिकुलर एफ एक्स पे चाहिए तो एफ एक्स वाला कौन सा आएगा, 21, तो f मैं 10 रखा तो भी 21 मिला। सो फंक्शन कंटिन्यूस है, क्वेश्चन ने बोला है सो फंक्शन कंटिन्यूस है, सो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ 10, सो देयरफॉर स्पेस थोड़ा सा बचाने का है ना। तो क्या आने वाला है पास, 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू 21, तो कुल मिला के 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू 21 इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2, 1 कौन सा है ये रहा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू 21। सिंपल सॉल्व करें, दो इक्वेशन है बचपन से करते आ रहे हैं आज तक, कितना हो गया बच्चों ये 8, ए माइनस का 8 है ठीक है। यहाँ पे 5 गया तो कितना गया 16, माइनस 16 काटो कैंसिल करो तो a कितना आया 2 आया। इसको इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन रख दो 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो 2 टू जा 4, तो b इक्वल्स टू 1। सो गाइस योर आंसर इज योर, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इतना लूज क्वेश्चन भी नहीं है कि इजी क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत मांगता है बट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, 11th में क्वेश्चन करे थे। सो गाइस यहाँ तक फंडे क्लियर, अब जो 31 से आने वाले क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, सो यहाँ तक के फंडे क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। नाम गाइस ये क्वेश्चन अलग लेवल के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आने क्वेश्चन को अगर आपको सीखना है तो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो आना चाहिए। सो गाइस इन क्वेश्चन तभी चालू करें जब आपका फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन फंक्शन है वहाँ पे एक पार्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो उसका एक पार्ट से हम लोगों ने प्रूव करा है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कुछ बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है स्टिल दे वांट टू डू क्वेश्चन, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है इसलिए कह रहा हूँ मैं, तो अपन चालू करते हैं अपन। सो गाइस पहले एक लाइन लिख देना इस क्वेश्चन 31 को चालू करने से पहले, व्हेन टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन देन देयर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है, हमें आर कंटिन्यूस फंक्शन देन देयर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूस। नाउ ये जो चीज़ है ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाई जाती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे स्टिल विल ट्राई अगेन। नाउ सो देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, नाउ देखो बच्चों चालू करते हैं, तो ये लाइन अपनी बुक में लिख देना बच्चों, एनसीईआरटी में लिख देना और अपने नोट्स में मेंशन कर लेना इन चीज़ों को। सो क्या कह रहा है यहाँ पे, एफ एक्स के बारे में बात करते हैं अपन, चलो मानते हैं लेट एफ एक्स हो जाएगा कॉज एक्स एंड एक जी एक्स मान लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। सो बच्चों ये होता है कंपोजिशन फंक्शन, देखो आपको दिख रहा है कॉज एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन को मैंने सेपरेट कर दिया और अपन इसको ऐसे लिखते हैं एफ ओ जी एक्स लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है एफ के अंदर गया जी एक्स जो कि था एफ के अंदर एक्स स्क्वायर, तो बोले तो कॉज एक्स स्क्वायर। नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल पार्ट, नाउ एज वी नो दैट कॉज एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन
and gx equals to x square is an algebraic function. है ना, हालांकि क्वेश्चन एम सी की क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे इज अ कंडीशन फंक्शन. सो बिकॉज इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन देयर फोर देयर कंपोजिशन. तो गाइस इसको जो कहते हैं ना, ये देखो ये जो चीज़ ना, ये इसको बोलते हैं कंपोजिशन. फॉग और गॉफ इन चीज़ों को बोलते हैं कंपोज. जो लोग पहली बार पढ़ो उनको समझ में नहीं आएगा, मुश्किल है. आई डोंट थिंक सो, जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर के बिना पढ़े वो यहाँ एंट्री मारा तो उनको समझ में नहीं आएगा. गाइज यू नीड द नॉलेज ऑफ चैप्टर फर्स्ट, ठीक है. सो देयर पॉलीनोमियल फंक्शन आर कंपोज, देयर कंपोजिशन फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है यहाँ पे, ठीक है बच्चों. सो मैं आपको यही कह रहा था कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनके कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होंगे. ये एक थ्योरम है, ये एक स्टेटमेंट है, ये थ्योरम एक स्टेटमेंट है गाइस. सो दो फंक्शन का कंटिन्यूस है तो उनके कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होंगे गाइस. क्लियर यहाँ पे? तो वी नो दैट कॉस कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनके कंपोजिशन भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे गाइस. फंडा क्लियर? इट विल टेक टाइम बट इट इज इजी क्वेश्चन. अगर नॉलेज है हल्का फुल्का भी तो आपका काम हो जाएगा. क्लियर? डन. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 अगेन ये कंपोजिशन फंक्शन पे है. शो दैट द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स मोड के अंदर कॉज एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. नाउ गाइस सीखो, आ जाओ यहाँ पे. मैं क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ. चलो मानते हैं कि एफ एक्स को मान लेते हैं कॉज एक्स और एच एक्स ले लेते हैं इसको अपन, एच एक्स ले लेते हैं, मॉड्यूलस एक्स को ले लेते हैं अपन, ठीक है. इसको अपन एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं या अपन मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं, एज सिंपल एज दैट. नाउ वी नो दैट कॉस का ग्राफ कैसा होता है, बड़ा स्मूथली बनता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन. इसका ग्राफ याद है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, यू ऐसे, तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी. तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है. सो वी नो दैट, तो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये एमसीक्यूज के हैं. एफ एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन. दोनों के दोनों एक्स बिलोंग्स टू आर में क्या है, एनी रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस फंक्शन है. अब इसमें कुछ भी रखो, वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, इसमें कुछ भी रखो, लाख डेढ़ लाख एनी थिंग रखो, कुछ भी एंगल रखो, आपको हमेशा एक स्मूथली ग्राफ मिलेगा. तो कंटिन्यूस फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन है ना, बहुत बड़ी बात होगी. आप तो इतना ध्यान रखो कि दोनों क्या है, कंटिन्यूस है. सो देयर कंपोजिशन, सो देयर कंपोजिशन, जैसे कि क्या हो रहा है अपन का, हो रहा है यहाँ पे एच ओ एफ एक्स हो रहा है यहाँ पे. जरा देखो एच के अंदर जा रहा है एफ एक्स, एच कौन है हमारा, गेरा इसमें गया एफ एक्स और ये गया कॉज एक्स. तो ये जो तरीका है ये आप लोग सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, है ना. जो डायरेक्टली आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत करेगा, बट फर्स्ट चैप्टर के बाद इजीली हो जाएगा. तो ये गॉफ और फॉग वाले फंडे क्लियर है. सो देयर कंपोजिशन फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस. क्या फंडा, क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं. आपको ये पता है ना कॉज फंक्शन कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है. इसको एक नाम दे दो, इसका नाम क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन. क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है. यहाँ पे जो कि कंटिन्यूस होते हैं, ध्यान रखना, ये कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होता है. क्लियर बच्चों? डन. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन दैट साइन मॉड्यूलस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. गाइस क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी. जो देखो बच्चों, साइन मॉड्यूलस एक्स है ना. नाउ अपन यहाँ लेट कर लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं साइन एक्स को, जी एक्स मान लेते हैं अपन, जी एस एक्स एक्स कुछ भी लो जो लेना ले सकते हो. नाउ इसके बारे में बात करते हैं. एज सो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, हमको पता है ना. और मॉड्यूलस एक्स इज ए, या ऐसे लिख दो, जी एक्स इज ए एब्सोल्यूट वैल्यूड
function या modulus function is a continuous function. ठीक है आपसे, ठीक है. Now, so अब देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे. साइन एफ ओ जी हो रहा है, ये है ना एफ ओ जी. तो एफ के अंदर गया जी एक्स, बोले तो साइन के अंदर गया जी एक्स, बोले तो साइन पंडा क्लियर. सो साइन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 31 में जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी है ना, कि अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनके कंपोजिशन फंक्शन भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे. तो ऐसा आपको उसमें लिख देने का है और कुछ नहीं लिखना, बस वो थ्योरम लिख देनी है. ये दो का बारे में नॉलेज ले देना है कि भाई ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, और इनका कंपोजिशन भी क्या रहेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा. क्वेश्चन टफ नहीं गाइस, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. कंपोजिशन आना चाहिए, खत्म करके दिखा देने का है. और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन जब बोला है कि कंटिन्यूस फंक्शन है तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपको कंटिन्यूस फंक्शन दिखाने का है. क्लियर गाइस, ईजी डन. पॉज द वीडियो, नॉट डाउन गाइस. सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1. नाउ क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन. ठीक है यहाँ पे. नाउ मैं पहले वर्बली सिखा देता हूँ. अभी जस्ट अपन ने दो क्वेश्चन में करा है अपन ने कि ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है. ये भी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है. दोनों दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, मतलब मॉडुलस वाले फंक्शन है. एंड हमको पता है, मैंने बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन. क्या ये बात क्लियर है? तो हमको बहुत फर्स्ट वीडियो में, बेसिक वाले पार्ट में ना, 5.1 का फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया है, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, उनका एडिशन मल्टीप्लीकेशन उनका डिविजन भी कंटिन्यूस होगा. याद है आपको? सो कुछ भी नहीं है. सो एज वी नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, या इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर देयर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस फंक्शन. देयरफॉर एफ एक्स बोले तो इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. देखो प्रॉपर लैंग्वेज अगर बाई चांस कभी बोर्ड में आ जाए या प्री बोर्ड्स में आ जाए तो प्रॉपर लैंग्वेज तो ये रही है ना. सो कंटिन्यूस फंक्शन, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. भाई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जहाँ पे एक्स मेरा या जहाँ पे मेरा फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस हो. तो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एफ एक्स देयर वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. सो गाइज द जर्नी ऑफ कंटिन्यूटी इज ओवर. नाउ द सेकेंड 5.2 विल स्टार्ट डिफ्रेंशिएशन गाइज. तो आई होप सो कंटिन्यूटी ईजी लगी होगी गाइज. कंटिन्यूस में ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन करें प्लस एग्जाम्पल्स करें, विल मेक ए वीडियो ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, प्लस डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर बुक गाइज. बट डू सम क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज कंटिन्यूटी में क्वेश्चन जनरली बाहर से आते हैं. ठीक है, बट डेफिनेटली यू हैव टू क्लियर बेस बाय डूइंग एनसीईआरटी गाइज. क्लियर गाइज? सो आई होप सो सबको समझ में आया होगा. नाउ 5.2 पे मूव करते हैं गाइज. 5.2 डिफरेंशिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एंड वो बहुत जरूरी है गाइज फॉर द इंटीग्रेशन AOY AOD डिफरेंशियल इक्वेशन. सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. कैसा लगा गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. एंड कोई भी डाउट्स हो यू कैन व्हाट्सअप मी गाइज, है ना. एंड वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों.